अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइज़न में खुश आमदीद। मैं हूं शबील हसन, आप भी साथ देंगे मेरा फहद शहबाज। मार्केट की सूरत हाल, टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एडवाइस इस प्रोग्राम में हम आप तक पहुंचाएंगे। मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर इसके ऊपर नजर डाली जाए तो आज मार्केट में मिक्स ट्रेंड जो है वो हमें नजर आ रहा है। मार्केट 11,961 और 11,034 के पॉइंट्स के नैरो बैंड में जो है वो जिगजैग मूवमेंट हमें शो कर रही है। करेक्शन मार्केट में नजर आ रही है, लेकिन करेक्शन खुलकर सामने भी नहीं आ रही है। और टेक्निकली मार्केट जो है वो इस वक्त हाई नजर आ रही है, टेक्निकली मार्केट हमें हाई नजर आ रही है और इन्वेस्टर भी हमें जो है वो मोहतात नजर आ रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्वेस्टर जो है वो करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे इन्वेस्टर अवॉइड कर रहे हैं, और यही वजूहात हैं जिनकी वजह से मार्केट खुलकर सामने नहीं आ रही है। मार्केट के अपने फंडामेंटल जो हैं वो हमें स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। मसलन जो रिजल्ट सीजन है और इसी हवाले से अच्छी खबरें हैं मार्केट में, और ब्लू चिप्स कंपनीज जो हैं वो उनके अच्छे पे आउट्स की तवक्को की जा रही है, और इन्हीं तवक्कात की बिना पर सरमायाकारी भी की जा रही है। सेकेंड ये कि टैक्स रिफॉर्म्स भी हमें एक अहम वजह है मस्बत ट्रेंड की, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आ रही है। 224 मिलियन रुपीस की जो है वो नेट बाइंग हुई है गुज़िश्ता रोज़। ये वो तमाम प्लस फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। मौजूदा इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, कि एस 100 इंडेक्स की बात अगर करें तो कि एस 100 इंडेक्स जो है वो इस वक्त 11,975 के लेवल पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। हाईएस्ट 12,034 रहा है और आज का लो जो है वो 11,939 है। बहुत ही नैरो बैंड है ये, जिसमें मार्केट इस वक्त ज़िगज़ैग मूव करती हुई हमें नजर आ रही है। मनफी 15 का चेंज हमें जो है वो 15 पॉइंट्स का जो है वो माइनस हमें चेंज नजर आ रहा है इस वक्त मार्केट में। वॉल्यूम भी जो है वो इस वक्त हमें कदरे बेहतर कह सकते हैं नजर आ रहा है। और अगर आज के एक्सचेंज स्टेटस पे हम नजर डालें तो 298 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में आज काम हुआ है, और उनमें 156 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में इजाफा देखा गया है। 120 कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। 22 कंपनीज के शेयर प्राइस में हमें जो है वो इस्तेहकाम नजर आ रहा है, ना कोई हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है 22 कंपनीज के शेयर प्राइस में, और ना ही हमें किसी किस्म का लॉस नजर आ रहा है। मार्केट में आज मिला जुला रुझान हमें नजर आ रहा है। नाज़रीन, आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि आज के वॉल्यूम लीडर्स जो हैं हमारे पास, डीजी सीमेंट है, जहांगीर सदीकी कॉरपोरेशन है, बैंक अल्फला है, लॉट पीटीए है, एंग्रो कॉरपोरेशन है, और लकी सीमेंट हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स हैं। साथ आपको न्यूज अपडेट्स भी देंगे शबील हसन। सभी बताइएगा आज की न्यूज अपडेट्स के हवाले से। आज की न्यूज अपडेट, पहली न्यूज अपडेट जो है हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। आईएमएफ ने दुनिया में जारी जो माशी बहरान है उसके 2012 में दुनिया की शरह नमू 4% से कम करके 3.3% कर दी है। सेकेंड हमारे पास अपडेट है कि माली साल 2011-12 के पहले हाफ में हुकूमत ने बैंकों से 3.7 खरब रुपए की जो है वो कर्जा लिया था, जो कि पिछले साल की निस्बत 24% ज्यादा है। मुल्क में जारी तवानाई के बहरान के सबब टेक्सटाइल सेक्टर को गुज़िश्ता माह के दौरान $1 अरब का बरामदी नुकसान हो चुका है। चौथी हमारे पास अपडेट है, एंग्रो फूड्स ने साल 2011 के हतमी माली नतीज का ऐलान कर दिया है और कंपनी ने 891 मिलियन रुपए का हतमी मुनाफा रजिस्टर करवाया है। पाकिस्तान किन्नू की बरामद के लिए इंडोनेशिया के साथ पीटीए साइन करने जा रहा है। ये हमारी आज की पांचवी और आखिरी अपडेट है। जी बिल्कुल, और नाज़रीन को बताते चलें आज का पिवट पॉइंट के हवाले से अगर बात की जाए तो आज का पिवट पॉइंट 12,017 रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी पहली रेजिस्टेंस 12,073, दूसरी रेजिस्टेंस 12,156, तीसरी रेजिस्टेंस 12,212,
जिसकी पहली अहम स्पोर्ट 11,934, दूसरी स्पोर्ट 11,878 और तीसरी अहम स्पोर्ट जो है वो 11,795 रिकॉर्ड की गई है। नाजिन आपको बताते चलें कि इस वक्त वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मार्केट एनालिस्ट सबा खान भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी और आपको ये भी बताएंगे कि कल की जो करेक्शन थी, टेक्निकल करेक्शन, उसके हवाले से उनके पास क्या अपडेट्स हैं। हमारे साथ रहिएगा।